हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं चटपटी मजेदार इंस्टेंट भरवा अचार की रेसिपी। इस अचार को हमने मोटी वाली हरी मिर्च से बनाया है। अगर आप भी तीखा खाने के शौकीन हैं तो ये मिर्ची का अचार आपको बहुत पसंद आएगा। इंस्टेंट मिर्ची का अचार है। इसे बनाकर क्या आप बिना फ्रिज के 10 से 12 दिन के लिए रख सकते हैं, तो चलिए बनाना देखते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मसाले इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सौंफ, ये मोटी वाली सौंफ है, 1/2 चम्मच मेथी दाना, 1/2 चम्मच कलौंजी या मंगरेल भी कहते हैं इसे, और उसी चम्मच से 3 चम्मच लेंगे साबुत धनिया। साबुत धनिया से अचार में बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो अचार के लिए जब भी आपको धनिया डालना हो तो साबुत ही डालिएगा। और 1 चम्मच ले लेंगे राई दाना, यहाँ पे आप सरसों भी ले सकते हैं। मसाले हमने इकट्ठे कर लिए हैं, अब इसे हम डालेंगे एक पैन में और रोस्ट कर लेंगे। मसालों को हमें चटकाना नहीं है, इसे तब तक भूनना है जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे और ये चटके नहीं। बस खुशबू आने लगेगा तभी इन मसालों को हमें उतार लेना है, और इसे उतार के हमें ठंडे होने के लिए रख देना है। थोड़ी देर में मसाले ठंडे हो गए हैं, अब इन्हें हम डालेंगे ग्राइंडिंग जार में और पीस लेंगे। तो चलिए पीस के ले आते हैं। मसालों को हमने पीस लिया है और इसे बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाया है, थोड़ा सा दरदरा ही रखा है। अब इसे किसी भी थाली या प्लेट में निकाल लेंगे। अब इन दरदरे मसालों में हम कुछ पाउडर मसाले मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं सफेद खाने वाला नमक 1 चम्मच, 1/2 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच भर के अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर मिर्ची का तीखेपन को बैलेंस करता है। साथ ही डालेंगे 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। ये लाल मिर्ची पाउडर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहिए तो डालिए या फिर स्किप कर दीजिए। काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर तीखी नहीं होती है, लेकिन इससे कलर अच्छा आता है। अब इस सभी मसालों को हम एक बार ड्राई मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे सरसों का कच्चा तेल। यहाँ पे 1 से 1.5 टेबल स्पून सरसों का तेल मसाले में मिला देंगे, इससे इसका भुरभुरापन खत्म हो जाएगा। तेल को हमें बहुत ज्यादा नहीं मिलाना है कि ये मसाले से बहने लगे, इतना मिलाना है कि मसालों को जब हम मिर्ची में भरें तो वो झड़े नहीं। तो ये लीजिए तेल मसालों में मिल गया है। अभी थोड़ा सा नमक टेस्ट कर लेते हैं, अगर नमक कम होगा तो थोड़ा सा नमक और डाल देंगे। नमक बिल्कुल ठीक है और ये मसाला हमारा बनके तैयार है। अब हम ले लेंगे हरी मिर्ची। तो यहाँ पे मैंने मोटी वाली हरी मिर्च ली है, ये कम तीखी होती है और इसका अचार बहुत अच्छा बनता है। इसको हमने धो करके और कपड़े पे रख दिया था सूखने के लिए, पंखे की हवा में ये सूख गया है, बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं रह गया है, पूरा पानी इसका सूख गया है। अब इसका ये जो डंडी वाला पार्ट है इसको हमें निकाल देना है। तो बस इस तरह से पकड़ेंगे, ये देखिए बहुत आसानी से निकल जाता है। अभी सारी मिर्ची का डंडी तोड़ने के बाद इसको हमें कट लगा लेना है। तो ऐसे नाइफ लेंगे और एक साइड से इसको इस तरह से चीरा लगाएंगे, दूसरे साइड में मिर्ची को हम नहीं काटेंगे, यानी इसको अलग नहीं करना है। इसमें हमें मसालों को भरना है, तो बस एक ही साइड से कट लगाएंगे और दूसरे साइड से ये बंद रहेगा ताकि मसाले अंदर से गिरे नहीं। तो सारी मिर्ची को इसी तरीके से हम काट लेंगे। ये देखिए एक ही साइड से कटा है, दूसरे साइड से मिर्ची जुड़ी हुई है। इसी तरीके से सारी मिर्ची को हमने काट लिया है। अब इसमें हमें मसाले को भरना है, तो इस तरह से खोलेंगे और जिस तरह से बैगन वगैरह की कलौजी हम बनाते हैं तो मसाले भरते हैं भिंडी में बैगन में, उसी तरीके से मसालों को दबाते हुए भर लेंगे। अभी एक एक करके इसी तरीके से मिर्ची को हम मसालों से भरते जाएंगे और एक पैन में रखते जाएंगे। जिस भी बर्तन में हमें इन्हें फ्राई करना है डायरेक्ट उसी में रखते जाएंगे। अभी हमने सिर्फ 1 से 1.5 टेबल स्पून तेल का यूज़ किया है, अब इसमें थोड़ा सा तेल हमें और डालना है, लेकिन उससे पहले हम सारी मिर्ची में मसालों को भर लेंगे। तो यहाँ लीजिए सारी मिर्ची में मसाले भर गए हैं। अभी जो एक्स्ट्रा बचा हुआ मसाला है ऊपर से इसको फैला देंगे, और अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल में अचार बहुत अच्छा बनता है, तो यहाँ पे 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल हम डालेंगे। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, बस इतने ही तेल डालना है कि ये अच्छे से फ्राई हो जाए।
और ज़्यादा तेल कर देंगे तो मसाले अलग हो जाएंगे, इसलिए कम तेल का यूज़ करेंगे। और इसे हम ढक कर के रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए। तो इसे लो फ्लेम पे हमें 2 से 2.5 मिनट तक ही पकाना है। और जब 2-2.5 मिनट हो जाएगा तो ये देखिए एक साइड से ये हो गया है, सॉफ्ट हो गए हैं, तब इन्हें हम पलट देंगे। इन मिर्चों को हमें बहुत ज़्यादा चलाना नहीं है, बस एक ही बार चलाएंगे और ये इंस्टेंट मिर्ची का अचार बन के तैयार हो जाएगा। अभी जिस साइड से मिर्ची का अचार पक गया है उसके दूसरे साइड इसको पलट देंगे और फिर से इसकी लीड लगा करके लो फ्लेम पे पकने देंगे। अभी 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद फ्लेम ऑफ कर दिया था, जब ये ठंडा हो गया है तब इसे हमने खोला है। तो ये देखिए एकदम बढ़िया से मिर्चा सॉफ्ट हो गया है और इसमें अभी भी मसाले भरे हुए हैं। ये बहुत ही टेस्टी और चटपटा अचार बन के तैयार होता है और बनाने में बहुत ही कम समय लगता है। इस मिर्ची के अचार को आप बना करके बिना फ्रिज के भी 10 से 12 दिन के लिए रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। और ज़्यादा दिन के लिए रखना है तो आप इसे फ्रिज में रख लीजिए। इन अचारों को आप फ्राई करने के बजाय किसी भी कंटेनर में, शीशे के कंटेनर में भर के रख दीजिए और ऊपर से तेल डाल दीजिए। इन्हें धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बिना फ्राई किए भी ये अचार बन के तैयार हो जाएंगे, लेकिन इसमें 2 से 3 दिन का समय लगेगा। और अगर आप इंस्टेंट अचार चाहते हैं तो इसे थोड़ा सा पैन में तेल के साथ फ्राई कर लीजिए। ये अचार बहुत ही टेस्टी, चटपटा और मज़ेदार होता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ऐसे ही चटपटी मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।